अहमदाबाद में फैंस ने बाबर आजम से की बदसलूकी, जिसके बाद सपोर्ट में आए गौतम गंभीर। भारत और पाकिस्तान के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाने वाले मैच में टीम इंडिया ने जैसे ही टीम को 7 विकेट से हराया, उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से अहमदाबाद के फैंस द्वारा किए गए दुर्व्यवहार की शिकायत जारी है। इसका पहला नजारा तब सामने आया जब रोहित शर्मा के साथ टॉस के लिए जैसे ही बाबर आजम मैदान में आए, उसी समय फैंस बाबर आजम के पीछे पड़ गए और उनके खिलाफ हूटिंग व मजाक उड़ाने लगे। इस पर टीम इंडिया के पूर्व ओपनर गौतम गंभीर ने बाबर आजम का साथ निभाया और फैंस से बड़ी अपील कर डाली। दरअसल टॉस के समय जैसे ही बाबर आजम माइक पर बोलने के लिए आए, इसी समय फैंस मैदान में बाबर आजम को चढ़ाने के लिए तमाम तरह की हूटिंग करने लगे, जिससे स्टार स्पोर्ट्स पर कमेंट्री करने वाले गौतम गंभीर ने तत्काल इसे गलत समझा और फैंस को एक बड़ी बात याद दिला दी। गौतम गंभीर ने इसी समय स्टार स्पोर्ट्स पर कहा कि अपनी टीम को सपोर्ट करिए, लेकिन विरोधी टीम से दुर्व्यवहार मत कीजिए। आपको याद रखना होगा कि वह हमारे मेहमान हैं और उनके साथ ऐसा नहीं कर सकते। वह सभी यहां वर्ल्ड कप 2023 खेलने आए हैं। वहीं मैच की बात करें तो पाकिस्तान की टीम उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सकी और उनकी टीम पहले खेलते हुए सिर्फ 191 रन ही बना सकी। इसके जवाब में टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने 63 गेंदों में 6 चौके और 6 छक्कों की मदद से 86 रनों की पारी खेली थी, जिससे भारत ने 30.3 ओवर में 3 विकेट खोकर 192 रन बनाकर पाकिस्तान को 7 विकेट से धूल चटाई थी।